आज आप सभी के लिए जो है एक बार फिर यानी कि जो आपका एग्जाम दृष्टि से मैं जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे कई सारी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर इससे पहले आप सभी ने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चल रहा होगा इस प्रकार का जो है आइकन आ रहा होगा और इस पर प्रेस करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे क्या होगा आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है लगातार मिलती रहेगी। तो चलिएगा हम देख लेते हैं अपनी आज की जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फुल फॉर्म जो है हमारी यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म बी जो है यहाँ पे यानी कि बी का जो अपना नंबर है ये जो थी ये से रिलेटेड थी सारी वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले BARC का फुल फॉर्म है भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना जो है 3 जनवरी को 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है और ये जो है काफी प्रसिद्ध और फेमस है, तो इसे आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए बेसिक यानी कि आपकी ये क्या है लैंग्वेज है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म है। साथ ही देखिए BBS यानी कि बुलेटिन बोर्ड सर्विस इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो फुल फॉर्म है काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये ऑल एग्जाम में आपके लिए यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखिए BCD यानी कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि आप जो देखते होंगे बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, कोडेड है, तो इस प्रकार इसका पूरा नाम होगा BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ पे देखिए ये जो BCD का पूरा नाम था डेसिमल है ना, BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लाइनें होती हैं इस प्रकार की, कुछ मोटी सी कुछ पतली सी, तो वो सारी लाइनों को पढ़ने के लिए एक बारकोडर रीडर होता है जो उसे क्या है पढ़ लेता है। यहाँ पे देखिए बीप यानी BEEP ब्लॉक्स एक्सटेंसिबल एक्सचेंजेस प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म है यहाँ पे बी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बीमा BEMA यानी कि बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो को नहीं किया लाइक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे देखिए BER का फुल फॉर्म है बिट एरर रेट, यानी कि जो एरर आता है आपका जिसे हम बग कहते हैं तो वो उसका यहाँ पे फुल फॉर्म है BER यानी बिट एरर रेट। BFD का फुल फॉर्म है यहाँ पे बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, यहाँ पे इसका पूरा नाम है। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर आप समझ सकते हैं बॉर्डर के अनुसार और प्रोटोकॉल जो है हमारा इंटरनेट के लिए होता है बिन का पूरा नाम यहाँ पे बाइनरी आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे देखिए बिनाक यानी कि बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, यहाँ पे देखिएगा बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर की बात की जा रही है यानी कि स्वचालित कंप्यूटर जो बाइनरी जो होता है हमारा वो। यहाँ पे देखिए BIOS को फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं जो है इसको स्टार बनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। ये कई बार आपका CPCT में और अदर एग्जाम में जो है बार बार आता रहता है। चलिएगा अब हम अगला देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा बिट है ना, बिट यानी बाइनरी डिजिट BIT यानी कि बिट बाइनरी डिजिट इसका जो है पूरा नाम है। ब्लॉक्स BLOB यानी कि बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका पूरा नाम है। और अगला देखते हैं यहाँ पे वेब ब्लॉग है ना, इसका जो था पूरा BLOG पूरा नाम इसका क्या रहेगा हमारा यहाँ पे वेब लॉग इसका जो है पूरा नाम यहाँ पे रहेगा।
तो ये जो फुल फॉर्म है काफी महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्जाम में बार बार आती है। बीएमपी यानी कि बेसिक मल्टी, यहाँ पे देखिएगा बीएमपी, बीएमपी का आपको ध्यान रखना है, बेसिक मल्टी लिंगुअल प्लान इसका पूरा नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूटअप, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, स्टार्ट करना जो होता है हमारा, तो यहाँ पे बूट स्ट्रैप्स प्रोटोकॉल इज द इसका फुल फॉर्म होगा, बीपीईएल। बीपीईएल यानी कि बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज, बिजनेस यानी कि जो आपका व्यापारिक के जो लैंग्वेज होती हैं उनके लिए जो है काफी होती है, उसके लिए जो है कॉबल होती है, कॉमन ओरिएंटल बिजनेस लैंग्वेज होती है। यहाँ पे देखिए बीपीआई, बीपीआई यानी कि बाइट्स पर इंच इज द फुल फॉर्म होगा, बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड होगा, बीएसएनएल आपकी जानी मानी कंपनी है, ये भारत संचार निगम लिमिटेड जो है बीएसएनएल कंपनी है ना, तो ये जो है सरकारी है इसलिए इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड और इसमें रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कल हम फिर इसका वीडियो अपलोड करेंगे। इसका टाइम जो है 12 है, पर बाय डिफॉल्ट मैं आज जो है बाहर जाने के कारण ये सब हो गया तो ये अपलोड नहीं कर सका, पर आपको जो है 12 PM पे जो है ये वीडियो पर डे मिलेगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करिए, मास सीपीसीटी एग्जाम को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।